15 अक्टूबर से प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के संभावित भ्रमण को देखते हुए विद्युत विभाग की एक कार्यशाला का आयोजन मोहदीपुर स्थित महाप्रबंधक कार्यालय के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में विद्युत वितरण नगरीय क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता उमेश चंद्र वर्मा के अलावा जूनियर इंजीनियर ऐश्वर्य राय, अजय कुमार सहित अन्य अभियंता मौजूद रहे। कार्यशाला में विद्युत चोरी रोके जाने, बड़े बकायेदार के खिलाफ आरसी जारी करने, उपभोक्ताओं ने उचित व्यवहार किए जाने, विद्युत बिलों को भुगतान समय से किए जाने के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक, ट्रांसफार्मर की स्थिति सुदृढ़ करने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विद्युत वितरण नगरीय के अधीक्षण अभियंता उमेश चंद्र वर्मा ने बताया। 129 मैं सबसे पहले एक चीज को बताना चाह रहा हूँ, मैंने उसी दिन कहा कि अगर आपसे नहीं करने आ रही है तो मेरे पास आ जाइए, मेरे बाबू के पास आ जाइए। आपका जवाब एकदम हुई ही ऐसा सर। उस दिन जो है आनंद साहब पहले दिन हमको बुलाया मीटिंग, उसके पहले हमारी आईडी उसके बाद से हमने जो है उसको चेकअप किया और सभी जहाँ जहाँ से संबंधित है तो उनका था, मैंने जो है चिट्ठी बना करके दिया। लेकिन अभी सर का भी कंप्लेन 4-5 हमारे वहाँ रिसीव है। अभी मैं जो कोई बात नहीं, किसी का आक्षेप ना करें, मैं उमेश चंद्र वर्मा शहर में अधीक्षण अभियंता के पद पर। मंत्री जी ने निर्देश दिया है कि 15 अक्टूबर से वो शहर के दौरों पे निकलेंगे, तो उसमें उन्होंने अपेक्षा की है कि हमारे हर अधिकारी के पास में कुछ बिंदु दिए गए, उसकी सूचना होनी चाहिए। इसी के लिए आज सबको अवगत कराया गया कि आप लोग ये जो सूचनाएँ दी गई हैं 4 बिंदु या 5 बिंदु, उनको सबको पता होना चाहिए कि हमारे बिजली घरों पे कितने ट्रांसफार्मर लगे हैं, क्या क्षमता है, कितने फीडर निकले हैं, उन पे कितने ट्रांसफार्मर निकले, कितने उपभोक्ता हैं, किस तरह के उपभोक्ता हैं, कितना बकाया है, ये सब सूचना उसके पास होनी चाहिए। ये उन्होंने अपेक्षा की है, इसलिए वर्कशॉप बुलाई गई है।